जंगल में करेंगे मंगल। That's me, Tarzan and Old Bike again with a new video. सुबह के बज रहे हैं 8 और गाइस अजय भाई आए आज, तो चलेंगे आज पार्क की तरफ। सुबह का माहौल आप देख ही सकते हैं कैसा है, बहुत सारे पंछी है यहाँ पे। और जो ये पार्क का रास्ता है इस आगे से राइट की तरफ है, तो वहाँ पे जाऊँगा मैं। तो जैसे स्ट्रेट जाएंगे स्ट्रेट राइट की तरफ है, और सामने डॉग जा रहे हैं, बिल्कुल सामने जाऊँगा मैं, वहाँ पे मंडियाल भाई वेट कर रहे होंगे मेरा। मैंने ले लिया है, शायद यहाँ पे ये शॉप्स वगैरह हैं और यहाँ से होगी एंट्री अंदर को। अब मंडियाल भाई पता नहीं कहाँ पे है, देखना पड़ेगा। क्या लगता है गाइज आपको कहाँ पे होगा, इस तरफ या उस तरफ, कॉल करके पूछ लेते हैं। के साथ हो चुकी है बात, वो बिल्कुल सामने की तरफ है, वहाँ पे तो चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। चलो फिर चलते हैं गाइज। पंछी दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे छोटे छोटे दो, और ये रहा गाइज पूरा पार्क का एरिया, आपको मैं दिखाऊंगा आज। और ये दो डॉगीज, और बाकी गाइज यहाँ पे बच्चे भी बहुत हैं, और सुबह सुबह बहुत लोग आते हैं गाइज यहाँ पे, जो जिम नहीं लगा सकते गाइज वो पार्क में आ जाते हैं, सीधी सी बात है। और ये थी मार्केट, सामने दिख रही होगी आपको, ये मार्केट है पूरी गाइज। बाकी अजय भाई उधर लगे हुए हैं मशीन पे, और यहाँ पे चल रहा है पानी। तो अजय भाई क्या लगा रहे हो फिर आज? गाइस देख लो अजय भाई मतलब संडे को ही जिम लगा रहे हैं, बैग पूरी निकाल के रहेंगे अजय भाई आज। तो यहाँ पे गाइस इक्विपमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, जो कि सारे यूज कर सकते हैं। ये देखो मेरे हिसाब से गाइज ये चेंज हो चुके हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स थे, थोड़े पुराने लग रहे थे। और यहाँ पे बच्चे वगैरह, बच्चों के लिए काफ़ी सही जगह है, तो बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। और ये सामने आपको एरिया दिख ही रहा होगा, कितने मीटर का ट्रैक है, 400 किलोमीटर का गाइज ट्रैक हो सकता है ये। तो गाइज जा रहे हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पे गाइज सिटिंग एरिया, तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। तीन लगे हुए हैं यहाँ पे सिटिंग के लिए चेयर्स बड़े बड़े, और यहाँ पे कूड़ा वगैरह डाल सकते हो आप। बाकी ये भी गाइज ट्रैक है, ये ट्रैक आपको कच्ची मिट्टी का मिलेगा, बाकी थोड़ा सा जो बाहर जो है वो पक्की मिट्टी का है। और यहाँ पर प्लांट्स वगैरह उगाए हुए हैं इन्होंने, और डेकोरेशन के लिए भी यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा ये प्लांट्स लगे हुए हैं। तो सुबह का व्यू गाइस काफ़ी ज़्यादा सुंदर आता है, नीचे ओंस की बूंदें पड़ी हुई हैं। एंड मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको कि सूरज यहाँ से दिखता भी है कि नहीं, तो ये देख ही रहा होगा गाइस आपको, यहाँ से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। और मैंने फाइनली आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दिया है सन का। और मंडियाल भाई ने मास्क लगाया, मंडियाल भाई मास्क क्यों लगाया आज ये बताओ, हैं नहीं तब भी मतलब क्या क्या चक्कर है, मतलब क्या नाक में ठंड जल्दी लग जाती है? ठीक है, तो गाइस उस तरफ से मैं एंट्री की थी, और ये दिख रहा होगा आपको, बाकी ये लाइट के लिए शायद होगा। तो गाइज अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ फाउंटेन, आ जाओ भाई। तो गाइज ये जो सामने दिख रहा है आपको ये है फाउंटेन। लास्ट टाइम गाइज मैं अराउंड 3 महीने पहले यहाँ पे आया था, तो मैंने इसको फाउंटेन को देखा था। अब देखते हैं इसमें पानी वगैरह है भी कि नहीं। यार भाई चल रहे हैं मेरे साथ गाइज, सुबह सुबह बिल्कुल ठंड लग रही है, हाथ ठंडे हो चुके हैं, मैं सिंपल पतली सी टी शर्ट में हूँ। तो गाइज अफसोस यहाँ पे पानी है ही नहीं, उल्टा यहाँ से मशीनरी वगैरह भी शायद मेरे को लग रहा है हटा दी गई है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे गाइज मेरे को फुवारे दिखे थे, बड़े बड़े ऐसे हाइट तक जा रहे थे, एक नंबर नज़ारा था गाइज। और आ जाओ फिर थोड़ा और भी देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे देखने को। एक गाइज में सिटिंग एरिया वहाँ पे है, वो दिख रहा है आपको, वहाँ पे भी सिटिंग एरिया है, मतलब टोटल यहाँ पे 3 सिटिंग एरिया, 1, 2, 3 सिटिंग एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और बाकी वो 3 वहाँ पे भी लगे हुए हैं, लोहे के हैं शायद वो, तो वहाँ पे भी आप बैठ सकते हो। इसके जस्ट पीछे खानपुर, जैसे ही ब्लॉग शूट कर रहे थे और ये हमें मिल चुके हैं दो साथी हमारे साथ। हेलो, तो गाइस ये मंडियाल भाई के साथी हैं, मंडियाल भाई लास्ट टाइम इनसे मिले हुए थे, मंडियाल भाई की गैंग है ये। अचानक ही मैं इधर आया और फिर से ये दोनों आ गए यहाँ पे। हेलो,
और देखो गाइस दोनों प्यार मोहब्बत कर रहे हैं सुबह सुबह। तो गाइस इंतजार हुआ ख़त्म, सन आ चुका है, देख ही सकते हैं आप, थोड़ी सी गर्मी आ गई है हमारे अंदर, अब ठंड थोड़ी कम लग रही है। क्या बोलते हैं मंडयाल भाई, सही बात है कि नहीं? सही बात है ना मंडयाल भाई को, गाइस काफ़ी ठंड लगती है। मैं तो चलो तब भी गर्म मोटी चमड़ी हूँ, भी कम जनता दिख रही है गाइस मेरे को यहाँ पे। शायद रीज़न ये हो सकता है कि संडे है तो सारे फन करते हैं सैटरडे को, और संडे को उठा नहीं जाता होगा, तो यही रीज़न हो सकता है। बाकी यहाँ पे गाइस कुछ लिखा हुआ है पंजाबी। मंडयाल भाई आपको पंजाबी आती है? अगर आती है तो बताओ फिर क्या लिखा है, ये चेतावनी है क्या ये? तो गाइस मेरे को तो कुछ पता लगा कि क्या लिखा हुआ है, आपको अगर समझ आया कुछ तो कमेंट्स में बताएं। हेलो हेलो गाइस, जैसे कैमरा देखा यह भाग गया चुटकू। देखो गाइस छुपन छुपाई चल रही है यहाँ पे, तो ए चुटकू। तो मंडयाल भाई फिर क्या प्लान है आज का? भाई प्लान तो है घूमने का। हाँ पक्की बात है? पक्की बात है भाई। तो देखते हैं गाइस अगर हमारा प्लान बनता है हम जाएंगे गड़ुओं गुड़ुओं की तरफ, कहीं ना कहीं तो जाएंगे गाइस, क्योंकि संडे है तो संडे को अगर सो के निकाल दिया तो फिर पूरा दिन बर्बाद चला जाता है। बाकी इस तरफ गाइस थोड़ी ठंड है अभी भी, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पे प्रॉपर नहीं पड़ती है। और गाइस ऐसे ही चले थे हम, और सामने से एक और जगह हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे देख ही सकते हो आप कुछ बना हुआ है। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम देखा था लोग योगा कर रहे थे। बाकी यहाँ पे शायद कंस्ट्रक्शन का काम होगा शुरू, थोड़ा सा ये जंगल की तरह लग रहा है, वैसे जंगल है नहीं पर थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो गाइस देख लो मंडयाल भाई क्या कर रहा है। एक नंबर भाई, एक नंबर पक्का ड्राइवर। जिस तरफ अब हम जा रहे हैं उस तरफ आपको कोई भी नहीं लेके जा रहा होगा, पिछले लास्ट व्लॉग्स में भी किसी ने शायद ये पार्क कवर नहीं किया होगा, लेकिन आज मैं फुल कवर करूंगा इसको। तो यहाँ पे ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ से भी लोग आ रहे हैं सामने से, तो इधर गाइस व्यू थोड़ा सही आ रहा है क्योंकि ग्रीनरी है थोड़ी थोड़ी, उतनी ज़्यादा तो है नहीं लेकिन ठीक ठीक है। जैसे मैं चल रहा था तो मैंने देखा कि सामने से कुछ लोग आ रहे थे, अब वो पता नहीं किस एरिया से आ रहे थे, कौन सा रास्ता है, वहाँ पे हम जाएंगे और देखेंगे कि वो रास्ता निकलता कहाँ को है। तो चल रहे हैं और देखते हैं कहाँ को निकलेगा वो रास्ता। मेरे हिसाब से तो गाइस हाईवे तक जाएगा वो, बाकी तो पता नहीं। मेरे हिसाब से हफ्ते में एक बार तो आना चाहिए गाइस आपको यहाँ पे, थोड़ा कार्डियो बढ़िया हो जाता है गाइस, आपकी जो दिल की धड़कन है काफ़ी बढ़िया से चलती रहेगी अगर आप थोड़ा वॉक वगैरह कर लो। संडे को एक दिन ही बहुत होता है गाइस, ट्रेडमिल वगैरह तो चलो ठीक है गाइस, लेकिन जो सामने जो वॉक होती है ग्राउंड में वो काफ़ी अच्छी होती है। और ये है गाइस कच्चा रास्ता। बाबा क्या लगता है फिर कहाँ पे निकलेंगे हम? तो भाई बोल रहा है कि हाईवे की तरफ निकलेंगे, तो देखते हैं हाईवे की तरफ निकलेंगे या कहीं और ही ना निकल जाएं। साहब आ चुके हैं इन जंगलों में, और जंगल में करेंगे मंगल। लगता है इधर आग लगाई हो किसी ने, तो आग भी सेक सकते हैं गाइस आप, थोड़ी थोड़ी है गर्मी यहाँ पे तो आग सेक सकते हो आप अगर आपको सेकनी है। थोड़ा आगे की तरफ और देखते हैं कहाँ पे निकलेगा ये रास्ता। तो गाइस वैसे तो मोटो ब्लॉगिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन आज सोचा कि पैदल चल के ही करेंगे कुछ ना कुछ। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी ये गहराई है, खाई टाइप लग रही है थोड़ी सी, पता नहीं अब क्या रीज़न होगा यहाँ पे, शायद मेरे को लगता है यहाँ से मिट्टी उठाई होगी उस हाईवे को बनाने के लिए, हाइट देने के लिए, तो फिर ये खाली हो गया एरिया पूरा। बाकी चलते हैं आगे और मैं दिखाता हूँ आपको। ना 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 ना। पीछे सनराइज हो चुका बढ़िया। कहाँ ही आ गए हम, ये देख लो शायद फ्लाई ओवर है इसके बिल्कुल नीचे है। तो गाइस हाईवे पे आ चुके हैं, देख लो कितना सही लग रहा है हाईवे, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, बाकी ठंडा मौसम है। गाइस अब चलते हैं, वॉक तो काफ़ी हो गई, अब थोड़ा खा पी लेते हैं तभी जोर आएगा शरीर में, फिर ही बनाएंगे अगला व्लॉग।